हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस विच इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ दिनेश पवार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। टॉपिक का नाम है बायो कंट्रोल एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, जिसे हम हिंदी में जैविक नियंत्रण कहते हैं। अगर बायो कंट्रोल की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बनाया है। एक तो है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और कंट्रोल, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है टू कंट्रोल अ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ यूजफुल ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी एक जीव को उपयोग करके किसी दूसरे हानिकारक जीव का कंट्रोल करते हैं, उसे हम बायो कंट्रोल कहेंगे। अगर हम बात करें बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। ये बायो कंट्रोल एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई इंसेक्ट है। और प्रकृति में बात करें तो ये उनके नेचुरल एनिमीज होते हैं, लेकिन ह्यूमंस द्वारा इन्हें अपने फायदे के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना है। ये डिपेंड करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो आइए देखते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनका होता है होस्ट स्पेसिफिक, मतलब एक बायो कंट्रोल एजेंट किसी निश्चित हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का ही कंट्रोल करना चाहिए, वो किसी भी यूजफुल ऑर्गेनिज्म को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेकंड हम बात करें तो उनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा तादाद में वो खुद का पॉपुलेशन का इंक्रीज कर सके और हम उसे आसानी से यूज कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो जीवन चक्र है या लाइफ स्पैन है, वो बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी कंट्रोल भी कर सके और हम इन्हें मल्टीप्लाई भी जल्दी कर सकें। उसके बाद बात करें तो ये किसी भी नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के बहुत अच्छे से आदी हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसे किसी दूसरी कंट्री से लाएं और हमारी कंट्री में ये किसी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने से पहले ही यहाँ के एनवायरनमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो इनकी सर्चिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है वो इनसे बचना नहीं चाहिए, वो किसी भी तरह से उसे ढूंढकर उसे खत्म कर सके। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें एक बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर सबसे पहले चाहिए होते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंजाई होती है, जिसे हम ग्रीन मोल्ड या फिर बायो फंजीसाइड भी कहते हैं। बायो का मतलब हुआ लिविंग और फंजीसाइड का मतलब फंजाई को मारने वाला। तो हम कह सकते हैं ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फंजाई है जो कि दूसरी फंजाई को कंट्रोल करती है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए इसकी एक शर्त है, वो यह कि ये किसी भी सॉइल बॉर्न या सीड बॉर्न फंजाई के लिए ही यूज की जानी चाहिए। तो जब भी हम फसल की बुआई करते हैं, उससे पहले हम इसे मिट्टी में मिलाते हैं और उसके बाद सोइंग करते हैं, ताकि अगर कोई भी फंजाई वहां पर प्रेजेंट है तो ये ट्राइकोडर्मा अपना एक्शन करके उसे कंट्रोल कर सकती है। अगर बात करें हम इसके अवेलेबल फॉर्म की, मार्केट में ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो ज़्यादातर इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करते समय क्या ध्यान रखना है, तो जब भी हम इसे सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे उस टाइम पे हमें प्रति हेक्टेयर 4 किलोग्राम इसकी आवश्यकता होती है, और अगर हम इससे सीड ट्रीटमेंट करना चाहें तो उस टाइम पर हमें 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इस मोड ऑफ एक्शन को हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 प्लेट्स यहां पर हमें दी गई है। इसमें हमने यहां पर ए जो पार्ट दे रखा है ये ट्राइकोडर्मा है, और बी एक व्हाइट मोल्ड है, कोई एक हानिकारक फंजाई है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है वो धीरे धीरे अपना विस्तार बढ़ाती है,
ये आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद हम देख सकते हैं कि जो दूसरी फंजाई है उसको धीरे धीरे ये खत्म कर देती है, ये खुद इतनी ज्यादा वृद्धि कर जाती है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से ट्राइकोडर्मा दूसरी फंजाई को पकड़ती है और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, उनका सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से ये दूसरी फंजाइज को कंट्रोल करने में काम आती है। अगर बात करें कि कौन सी ऐसी ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एक तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक हम यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा हार्जिनम। इन दोनों को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक डायग्राम यहाँ पर और दिया हुआ है जिसमें आप ट्राइकोडर्मा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन है, इसीलिए हम इसे ग्रीन माउल्ड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ग्रीन माउल्ड क्या है, तो वो होती है ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हम बात करें अगला बायो कंट्रोल एजेंट, वो है ट्राइकोग्रामा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए हमने एक साथ इसे देखा है। तो एक तो हो गई ट्राइकोडर्मा, वो फंजाई है। सेकंड ट्राइकोग्रामा, ये फंजाई नहीं होती, ये एक इंसेक्ट होता है। और इंसेक्ट की भी हम बात करें तो ये एक वास्प है। और जब हमने एंटोमोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो की बात करें तो उसमें हमने देखा हनी बी और वास्प, ये दोनों जो इंसेक्ट है ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, हाइमिनोप्टेरा में। तो यहाँ से ध्यान रखना है, इसका जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ट्राइकोग्रामा कौन से ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो ध्यान रखेंगे ये हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर का एक इंसेक्ट होता है। अगर बात करें इसकी फैमिली की तो ये होती है ट्राइकोग्रामेटिडी। ये वैसे पूछी हुई नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए इसको ध्यान रखें सिर्फ। अगर हम यूज़ की बात करें, हम ट्राइकोग्रामा का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो इस इंसेक्ट को हम दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और मोस्टली ये जो हमारे टारगेटेड इंसेक्ट हैं वो लेपिडोप्टेरा ग्रो ऑर्डर के होते हैं। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो 12th की बुक में आपको दे रखा है वो है रेड हैरी कैटरपिलर। तो ग्रामा का उपयोग हम रेड हैरी कैटरपिलर के कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये है एक एग पैरासिटॉइड। एग पैरासिटॉइड का मतलब ये इंसेक्ट अपने एग्स दूसरे इंसेक्ट के एग्स पर देता है। एक डायग्राम के थ्रू हम इसे आगे देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं ट्राइकोग्रामा की वो स्पीशीज जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इसकी दो स्पीशीज यूज की जाती है, एक तो है ट्राइकोग्रामा किलोनिस जिसको हम RHC के लिए यूज करते हैं, और एक है ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम जिसे हम कॉटन बॉलवर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक डायग्राम इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसेक्ट आपको ये दिया गया है, ये दिखाया गया है, तो ये ट्राइकोग्रामा है और ये जो एग्ज हैं ये किसी दूसरे इंसेक्ट के हैं रेड हैरी कैटरपिलर के, और उनके ऊपर ये जो ट्राइकोग्रामा है ये अपने एग्स देता है। फिर जैसे ही इसके एग्स मैच्योर होते हैं तो इसके जो लार्वा है वो इन एग्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और लार्वा के पास जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से इस एग के अंदर जो लार्वा है उसकी डेथ हो जाती है, इसीलिए हम इसे एग पैरासिटॉइड कहते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, वो है जाइगोग्रामा। जाइगोग्रामा का यूज हम जानते हैं किसके लिए करते हैं, हम पार्थीनियम के कंट्रोल के लिए। और जाइगोग्रामा को हम मैक्सिकन बीटल भी कहते हैं। कारण है कि इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्सिको से जो कि यूएसए में है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, मैक्सिकन बीटल। अगर क्लास की बात करें तो क्लास इंसेक्टा है। अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है कॉलियोप्टेरा। और अगर एंटोमोलॉजी वाले वीडियो से आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता पड़ेगी कि जितने भी कॉलियोप्टेरा ऑर्डर के हमारे इंसेक्ट होते हैं उन्हें हम बीटल्स कहते हैं। फिर बात करें इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली होती है क्राइसोमेलिडी। यूज़ की बात करें तो इसको हम पार्थिनियम के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। गाजर घास, जिसे हम खरपतवारों का राजा या किंग ऑफ वीड्स भी कहते हैं। फिर बात करें इसको सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज यूज़ की जाती है, तो जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा और जाइगोग्रामा ओपीफेरा, इन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक डायग्राम देखें। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो इंसेक्ट है वो
यहाँ पर पार्थिनियम के आप यहाँ फ्लावर्स देख सकते हैं, तो पार्थिनियम के प्लांट पर चाला जाता है और उसके बाद इसकी जो बर्ड्स या फ्लावर्स होते हैं उनको ही खा जाता है। और अगर फ्लावर्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो इसकी नई जनरेशन वापस प्लांट की नहीं बन पाती। इसको हमने अभी तक इंडिया में बहुत अच्छे से, हमने इसको कर्नाटका, केरला इन एरियाज में पार्थिनियम के कंट्रोल के लिए यूज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला हमारा जो बायो कंट्रोल एजेंट है जो है एपिकार्निया। एपिकार्निया जो है इसके लिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जेट ने पूछा हुआ है कि शुगर केन का जो पायरीला है या शुगर केन प्लांट होपर है उसके कंट्रोल के लिए कौन सा एजेंट यूज किया जाता है, तो वो है एपिकार्निया। और एपिकार्निया एक एक्सटर्नल पैरासिटॉइड है जो कि पायरिला की बॉडी पर रहकर और उसे धीरे धीरे वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर उसे किल कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट फंजाई है जिसका नाम है ब्रूवेरिया बेसियाना। ब्रूवेरिया बेसियाना एक ऐसी फंजाई है जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी पर लगती है और वो इंसेक्ट कंट्रोल करने में काम आती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। मीन्स ये इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए यूज होने वाली एक पैथोजेनिक फंजाई है। फिर बात कर ले इससे कौन कौन से इंसेक्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इससे हम इंसेक्ट्स जैसे टर्माइट है, थ्रिप्स है या वाइट फ्लाइज है, एफिड्स है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनको हम बहुत अच्छे से इस कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट हमारा जो इंसेक्ट है वो है लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल लगभग हम सभी ने देखा हुआ है, डायग्राम में हम देखेंगे, पर सबसे पहले देख लें इसकी कुछ खास बातें। लेडी बर्ड बीटल का साइंटिफिक नेम होता है कॉक्सीनेला सेप्टम पंक्टाटा। सेप्टम का मतलब है सेवन और पंक्टाटा का मतलब होता है स्पॉट्स। तो ये जो इंसेक्ट होता है इसकी बॉडी पर सेवन स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, तो इसी से नाम दिया गया है इसे सेप्टम पंक्टाटा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है लेडी बर्ड बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है, कॉक्सीनेला सेप्टम पंक्टाटा। अगर बात करें ये क्या चीज है, तो ये एक इंसेक्ट होता है और इंसेक्ट में आप देख सकते हैं इसके नाम के आगे क्या लिखा है, बीटल, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कॉलियोप्टेरा। ओके, फिर हम बात करें इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट जिनकी बॉडी सॉफ्ट है और वो हमें हार्म पहुंचाते हैं क्रॉप्स में, उनके कंट्रोल के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे एफिड्स है, थ्रिप्स है या मिलीबग्स हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। फिर बात कर ले नेक्स्ट इसमें, वो है एफिड लॉयन। अपने नाम से ही बताता है एफिड का लॉयन, मीन्स ऐसा इंसेक्ट जो कि एफिड को किल करता है उसे हम एफिड लॉयन कहेंगे। एफिड लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है क्राइसोपरला कार्निया। और ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है एफिड्स के कंट्रोल के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्राइसोपरला कार्निया। अगर बात करें इसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर सबसे अलग है न्यूरोप्टेरा, और फैमिली की बात करें तो ये है क्राइसोपीडी। फिर बात करते हैं इन दोनों इंसेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे लेडीबर्ड बीटल हो चाहे एफिड लॉयन हो, ये दोनों पैरासिटॉइड नहीं होते। ये क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब जो अपने शिकार को किल कर देते हैं डायरेक्टली, तो इन दोनों के लिए ध्यान रखना है ये प्रीडेटर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें अगला जो है वो हमारे लिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेडीबर्ड बीटल का लार्वा आपको बताया गया है, इस लार्वा को ध्यान रखें, और इसका जो अडल्ट होता है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। अगर बात करें हम क्राइसोपडला की, तो क्राइसोपडला का लार्वा इस तरह का होगा, और उसके अडल्ट की बात करें तो ये ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट होता है छोटा सा। ओके, फिर हम बात करें इसके नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट्स की, तो हमारे पास कुछ एक लिस्ट है जिसे सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि कौन से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के लिए हम कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम सीड और सॉइल बॉर्न डिजीज के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है, तो इसका यूज भी हम सीड और सॉइल बॉर्न फंजाई के कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। फिर बात करें एक है हमारे पास क्रोसिडोसेमा लेंटानी, तो इसका नाम ध्यान रखना है लेंटानी से ध्यान रखें, ये यूज करते हैं हम
लेंटाना कैमरा को कंट्रोल करने के लिए। तो लेंटाना कैमरा क्या है? एक वीड है, उसके कंट्रोल के लिए हम क्रोसिडोसेमा लेंटानी का यूज करते हैं। फिर बात करें, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है नियोचेटिना ब्रूची। इसका यूज किया जाता है वाटर हायसिंथ या फिर जल कुंभी के कंट्रोल के लिए। फिर बात करें, एक है हमारे पास है बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, और इसके बारे में सभी जानते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी के नाम से जानते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के लिए एक अलग से ही वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगा, जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। बीटी का हम यूज़ करते हैं बेसिकली कॉटन के अंदर बॉल वर्म्स जो लगते हैं, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है या फिर पैक्टिनोफोरा गोसिपेला है, उनके कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट हम बात करें, यहाँ पर एक वायरस का नाम हमें ध्यान रखना है जिसे हम बोलते हैं NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। अगर एग्जाम की बात करें तो राजस्थान प्री PG जो एग्जाम है उसके अंदर NPV का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म जो है वो है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। और इसका भी यूज हम हेलिकोवर्पा या कॉटन बॉल वर्म्स के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स के भी ये काम आ सकता है तो इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी ऐसे वीडियोस जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हो, तो कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एट लास्ट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे ही और वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू।